आपके में कुछ ऐसा दिखाई देता होगा, पहले 10 रुपए दे दो फिर आपको इसी स्टेडियम अलाट कर सकते हो, जैसे कि सिडनी है, एडिलेड, होबार्ट, ब्रिस्बेन, पर्थ, अबुधाबी, बेंगलोर, दिल्ली, लाहौर, पहले 10 रुपए देने होंगे फिर आप स्टेडियम को अलाट कर सकते हो। और ये देख लो, ये कुछ मेरे में दिखाई देता है, मैंने सारे स्टेडियम अलाट करके रखे। ये देख लो, दुबई का चेन्नई, अहमदाबाद, सिडनी, एडिलेड, होबार्ट, ब्रिस्बेन, पर्थ, अबुधाबी, बेंगलोर है, दिल्ली है, लाहौर है, शारजा है, कोलकाता है, हैदराबाद है, लखनऊ है। जो भाई कमेंटेटर है इसको भी हम कैसे फ्री में अलाट कर सकते हैं और गेम में रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको सब कुछ वीडियो में समझाऊंगा कि आप कैसे इन कमेंटेटर्स को फ्री में रख सकते हैं, वो चाहे हिंदी कमेंटेटर हो या चाहे इंग्लिश कमेंटेटर। तो चलिए वीडियो का करते हैं स्टार्ट। पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि जो कमेंटेटर्स है गेम में उसको हम कैसे फ्री में ले। तो मैं आ गया हूँ मेन स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा क्विस्ट का ऑप्शन, QUESTS का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, नीचे आपको मिलेगा SPIN स्पिन द व्हील, फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको स्पिन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है पहले स्पिन में। तो पहले स्पिन में मुझे कमेंटेटर मिला है, आपको भी ऐसे ही स्पिन करना है। आपको अगर पहले स्पिन में नहीं मिलेगा तो दूसरी स्पिन में जरूर मिलेगा या तीसरी स्पिन में। तो मैं यहाँ पे दूसरा स्पिन कर देता हूँ, तो देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। तो मुझे दूसरे स्पिन में MP मिला है। आपको ऐसा ही करना है, अगर आपको पहले स्पिन में नहीं मिलेगा तो दूसरे में जरूर मिलेगा या तीसरे में। तो अब बारी है कि जो हमें कमेंटेटर मिला है वो उसको हम कैसे अप्लाई करें गेम में। तो आपको मैं वही बताऊंगा कि आप उसे अप्लाई कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं मेन स्क्रीन पे आ गया हूँ, आपको जो भी टूर्नामेंट खेलना होगा उस पे आप क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पे क्विक मैच पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे यही टीम रख देता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा कमेंटेटर का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, जो आपको कमेंटेटर मिला होगा उस पे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है, वो चाहे इंग्लिश कमेंटेटर हो या हिंदी कमेंटेटर हो, उसके नीचे आएगा सिलेक्ट का ऑप्शन। तो फिर आपको सिलेक्ट पे क्लिक कर देना, तो वो कमेंटेटर आपका अप्लाई हो जाएगा। अब बारी है कि भाई हम स्टेडियम जो है उसको अनलॉक कैसे करें फ्री में। ऊपर आपको मिलेगा प्रोफाइल का ऑप्शन, उस पे आपको क्लिक कर देना। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। पहले लेवल पे आपको मिलेगा एसोसिएट ट्रॉफी, फिर मिलेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप, फिर मिलेगा IPL 2008 का। इसी तरीके से जब आप ऊपर जाओगे तो बहुत सारे मोड मिलेंगे आपको। लेवल 7 पे आपको मिलेगा ट्राई सीरीज, उसके नीचे है 2020 वर्ल्ड कप। यहाँ तक आपको किसी तरीके से लेवल अप करना है, तो इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, वो जाके आप देख सकते हो कि हम लेवल अप कैसे करें। बस यही एक तरीका है कि जिससे आप स्टेडियम अनलॉक कर सकते हो। जब आपकी लेवल ऊपर जाएगी तो स्टेडियम जो है वो आपको हर किसी मोड में फ्री में मिलेगा, चाहे वो IPL हो, 2020 सीरीज हो, ट्राई सीरीज हो, IPL हो, कुछ भी हो, उसमें आपको फ्री में मिलेगा वो स्टेडियम। तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, वहाँ पे मैं बोला था मैंने आपको कि ट्राई सीरीज आपको किसी तरीके से अनलॉक कर देना है। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ टूर्नामेंट पे, यहाँ पे जाता हूँ उसी ट्राई सीरीज में पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नया टूर्नामेंट स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं इस पे पहले क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से टीम सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको मैं आगे का प्रोसेस समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको फिर प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो थोड़ा लोडिंग हो रहा है। ऊपर मिलेंगे आपको सारे के सारे स्टेडियम, इनमें से आप कोई भी स्टेडियम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लखनऊ का स्टेडियम सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लखनऊ का स्टेडियम है, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। एरो का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जो टीम आपने सिलेक्ट की होगी उसके प्लेयर आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे रोहित शर्मा और गिल और विराट कोहली को एड कर देता हूँ, फिर स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर मिलेगा आपको अपोजिट टीम, इसमें भी अगर आपको कोई प्लेयर ऐड करना होगा तो कर सकते हो, फिर एरो पे क्लिक कर देना है। तो मैंने कर दिया एरो पे क्लिक, और ये देख लो लखनऊ का स्टेडियम मैंने सिलेक्ट कर दिया था, तो वो लखनऊ का स्टेडियम आ गया है। इसी तरीके से आप कोई भी स्टेडियम सिलेक्ट कर सकते हो और गेम प्ले कर सकते हो उस स्टेडियम में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे।